त्रिपुरा की 60 सीटों पर वोटिंग जारी। जीत हार के क्या है बड़े फैक्टर, जाने क्या कहता है राजनीतिक समीकरण। त्रिपुरा में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला आज जनता करेगी। राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इस बार 60 सीटों पर कुल 259 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मौजूदा हालातों में ऐसा होना इतना आसान नहीं लग रहा है। विधानसभा चुनाव में राज्यों में एक दूसरे के विरोधी रहे लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। त्रिपुरा के शाही वंश के उत्तराधिकारी प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मन की नई पार्टी टिपरा मोथा पहली बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार चुनौती बड़ी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी IPFT के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी ने 55 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं IPFT 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लेफ्ट में सीटों को लेकर हुए बंटवारे के तहत बाम मोर्चा 43 और कांग्रेस 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय मैदान में है। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी की TMC भी चुनावी मैदान में है। TMC 28 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा 58 उम्मीदवार ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने 2018 में 25 साल से चले आ रहे लेफ्ट के शासन को खत्म कर त्रिपुरा में सरकार बनाई थी। इस चुनाव में भी बीजेपी IPFT मिलकर लड़ी थी, जिसमें त्रिपुरा की जनता का भरपूर प्यार बीजेपी और IPFT को मिला। बीजेपी को जहां 36 तो वहीं IPFT को 8 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी गठबंधन के खाते में 60 में से 44 सीटें गई थी। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट पार्टियां महज 16 सीटों पर सिमट गई और सबसे बुरा हाल कांग्रेस का हुआ, जो खाता भी नहीं खोल पाई। 2018 में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने बिप्लव देव को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि 4 साल के बाद मई 2022 को बिप्लव देव के हाथों सत्ता की कमान लेकर माणिक शाह को सौंप दी गई। ऐसे में इस बार भी बीजेपी त्रिपुरा के CM माणिक शाह की अगुवाई में चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में बीजेपी के सामने इस बार चुनौती बड़ी है। अगर त्रिपुरा की राजनीतिक बैकग्राउंड पर नजर डालें तो पूर्वोत्तर की सियासत उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीति से काफी अलग है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय का वोट है, जो चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाता है। जिसको इस समुदाय का साथ मिला, उसकी सरकार बनना लगभग तय है। इसके अलावा बांग्लादेश की सीमा से सटे होने के कारण यहां करीब 65% बांग्ला भाषी भी रहते हैं। 32% के करीब आदिवासी समुदाय है, तो 8% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में इस बार के चुनाव में बीजेपी क्या कमाल दिखाती है, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की ओर से सरकार बनाए जाने की चुनौती देने वाले उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन गवर्नर के रोल पर सवाल उठाया है। अदालत ने भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कहा है कि आखिर गवर्नर कैसे राजनीति में दखल दे सकते हैं, वह कैसे राजनीतिक गठबंधन और सरकार गठन को लेकर टिप्पणी कर सकते हैं। अदालत ने ये रिएक्शन गवर्नर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जवाब पर दिया है। मेहता ने कहा था, आप वोटर के पास एक व्यक्ति के तौर पर ही नहीं जाते, बल्कि साझी विचारधारा के नाम पर पहुंचते हैं। मतदाता विचारधारा के नाम पर वोट करते हैं, जिसे पार्टी प्रोजेक्ट करती है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक तुषार मेहता ने कहा, हमने हॉर्स ट्रेडिंग शब्द सुना। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने विपरीत विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर सरकार बना ली, जो शिवसेना और भाजपा के गठबंधन के खिलाफ मैदान में थे। हालांकि इस टिप्पणी को अदालत ने गवर्नर की राजनीतिक सक्रियता के तौर पर लिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आखिर गवर्नर ऐसे मामलों में क्यों बोलते हैं, वह सरकार के गठन पर कैसे बात कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक राज्यपाल को राजनीतिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। फिलहाल अदालत में इस बात पर सुनवाई हो रही है कि शिवसेना से बगावत करके भाजपा संग सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए या नहीं। इसके अलावा इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि दोनों में से किस गुट को शिवसेना का तीर धनुष का सिंबल दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह पूरा मसला इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत का सामना नहीं किया है। गौरतलब है कि अदालत में इस बात पर भी सुनवाई चल रही है कि क्या डिप्टी स्पीकर की ओर से सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है या नहीं। फिलहाल संवैधानिक बेंच किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीबीसी कार्यालय पर आयकर विभाग के सर्वे की कड़ी निंदा की। सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, केंद्र सरकार अधिकांश मीडिया को नियंत्रित करना चाहती है। अगर मीडिया उनके खिलाफ कुछ कहता है तो किसी की नौकरी चली जाती है। मैं बीबीसी के दफ्तरों पर इस छापे का पुरजोर विरोध करती हूं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि देश में कोई भी मीडिया नहीं बचेगा। केवल प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। इस देश में कोई मीडिया अपनी आवाज नहीं उठा सकता है। अगर वे अपनी आवाज उठाते हैं तो प्रबंधन 24 घंटे में नौकरी खत्म कर देगा। ये उनकी नियंत्रण शक्ति है। इससे अब कोर्ट ही बचा सकता है। आगे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीबीसी ने कुछ अवैध किया होता तो वो एक पत्र में इसके लिए पूछ सकते थे। मुझे नहीं लगता कि बीबीसी ने सरकार के खिलाफ कुछ भी किया। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। प्रेस की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जा रही है। इनका दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है। मैं देख रही हूँ कि वे हिटलर और चेसेस्कू से भी बढ़कर है। सिर्फ तानाशाही चल रही है। मुझे लगता है कि हम जो लोग भी सत्ता में कुछ कर सकते हैं, मुझे करना है। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कुछ सीमाएं हैं। मैं संविधान का पालन कर रही हूँ। मैं जनता के जनादेश का पालन कर रही हूँ। लेकिन उनका जनादेश कहाँ है? उन्हें लोगों को जनादेश की परवाह नहीं है। केवल उनका जनादेश तानाशाही है। हिटलर से भी ज्यादा, चेसेस्कू से भी ज्यादा, मीडिया और बीबीसी को भी मेरा पूरा समर्थन है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें और देखते रहिए आपका अपना चैनल फोकस हिंदुस्तान। और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें ताकि हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। मुश्किलों में घिरे गौतम अडानी को एक और तगड़ा झटका लगा है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने डीबी पावर को खरीदने के लिए एक बड़ी डील की थी और इसे सीसीआई से मंजूरी भी मिल गई। लेकिन अडानी पावर ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया कि इस डील को कंप्लीट करने की डेट एक्सपायर हो गई है। इस डेट को 4 बार बढ़ाया गया था और फाइनल क्लोजिंग डेट 15 फरवरी को एक्सपायर हो गई। इस डील के पूरा होने से पावर सेक्टर में अडानी ग्रुप की ताकत मजबूत होती। जब 2022 में डीबी पावर डील की घोषणा की गई तो ये इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अडानी ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी मर्जर एंड एक्विजिशन डील थी। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च के झटकों से जूझ रहा अडानी ग्रुप इस डील को पूरा करने में नाकाम रहा। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के लिए दूसरा झटका है। इससे पहले ग्रुप को अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का FPO वापस लेना पड़ा। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि अडानी ग्रुप ने कई साल तक शेयरों में हेराफेरी की। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन ग्रुप के शेयरों में हाल के दिनों में भारी गिरावट आई। उसका मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से कम रह गया। इसे देखते हुए ग्रुप ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अडानी ग्रुप अब आक्रामक तरीके से अपना विस्तार करने के बजाय फाइनेंशियल कंडीशन को दुरुस्त करने पर जोर लगा रहा है। ग्रुप अपना कर्ज कम कर रहा है, गिरवी रखे शेयरों को छुड़ा रहा है और कैश बढ़ा रहा है। बात अगर अडानी पावर के कर्ज पर करें तो अडानी पावर की कुल स्थापित क्षमता 13.6 गीगावाट है। कंपनी के 7 राज्यों में 7 थर्मल प्लांट हैं, साथ ही 40 मेगावाट का एक सोलर प्लांट भी। 30 सितंबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी पर कुल 36,031 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर डीबी पावर के साथ उसकी डील हो जाती है तो इसे पावर सेक्टर में अडानी ग्रुप की स्थिति और मजबूत हो जाती। डीबी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले में 600 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। We'll be right back.